मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ने होंगे बेहतर होगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज की क्लास हमारी कंटिन्यू वही होगी जो फ्रेजल वर्ब की क्लास थी, और आज की क्लास फ्रेजल वर्ब क्लास पार्ट 3 होगा। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को सीखेंगे जो कि एग्जाम में भी आए हुए हैं और आने की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और ये सब गो वाले वर्ड, कीप वाले वर्ड, फॉल वाले वर्ड, नॉक वाले वर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने कवर किया था, गो को कवर किया था, गेट को कवर किया था। आज में गो के वर्ड को ही देखना होगा। गो अहेड मीन्स होता है कार्य लगातार करना। वैसे तो गो मीन्स होता है जाना, अहेड मीन्स होता है आगे, लेकिन जब गो अहेड आपको मिल जाए तो गो अहेड का मीन्स होता है कार्य लगातार करना, इट मीन्स गो अहेड। गो के साथ अगर डाउन लग जाए तो इसका मीन्स होता है गो डाउन, मीन्स होता है किसी चीज का डिक्रीज होना या किसी चीज का घट जाना, दैट मीन्स गो डाउन। ओके, गो अप और गिव अप बार बार आता है, गो अप, गिव अप, ब्रिंग अप, बैक अप, टेक अप, ये बार बार आया था एग्जाम में। तो गो अप, ब्रिंग अप, बैक अप, टेक अप, इन सभी में आपको ध्यान देना होगा कि कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ अप लगा होता है और वो अपनी अलग मीनिंग लेके चलते हैं। तो गो के साथ अप हो तो इसका मीन्स होता है क्रिएट समथिंग, यानी किसी चीज का निर्माण करना, और गिव अप हो तो इसका मीन्स होता है त्याग देना। तो गो अप मीन्स होता है निर्माण करना, निर्मित करना। गो के साथ ऑफ लगाओ, ओ डबल एफ ऑफ ही देखिए सब जगह मिल रहा है, कहीं भी ओ एफ ऑफ अभी तक नहीं मिला फ्रेजल वर्ब में। तो ओ एफ ऑफ ऑप्शन में रहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। गो ऑफ मीन्स होता है छूट जाना किसी चीज का। गो इनटू मीन्स होता है क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, जांच पड़ताल करना, तो इन्वेस्टिगेट करना, तो हो जाता है बारीकी से जांचना, इन्वेस्टिगेट करना। तो गो फॉर है इसका मीन्स होता है जाना। गो बैक ऑन मीन्स होता है वादे से मुकर जाना, मतलब वादा ना निभाना, बात को पलट देना। गो बैक ऑन मीन्स होता है वादे से मुकर जाना। होल्ड वाले देखते हैं तो होल्ड ऑन का मीन्स होता है इंतजार करना, होल्ड अप अगर कहीं गया हो तो इसका मीन्स होता है रोक देना, कई बार आपने सुना होगा होल्ड अप मीन्स होता है रोकना, और होल्ड के साथ ऑन दिया हो तो उसका मीन्स होता है होल्ड ऑन मीन्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, होल्ड ऑन वेट फॉर सम टाइम, होल्ड अप मीन्स स्टे और स्टॉप फॉर सम टाइम। ओके, कीप का देखते हैं तो कीप के साथ बैक लगा हुआ है, कीप बैक हो तो इसका मीन्स होता है रोकना, कीप ऑन हो तो जारी कर रखना, जारी रखना, ये बार बार एग्जाम में आया है, कीप ऑन वर्ड आपको मिलेगा तो इसका मीन्स होता है जारी रखना। और यदि कीप के साथ आपको मिले, कीप के साथ बैक मिले तो इसका मीन्स होता है, कीप बैक अगर हो तो इसका मीन्स होता है रोक देना, कीप बैक हो तो इसका मीन्स रोकना, और कीप ऑन हो तो इसका मीन्स होता है जारी रखना। कीप ऑन बार बार आया हुआ एग्जाम में और कई बार पूछता भी है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं। कीप अप अगर कहीं पे हो तो इसका मीन्स होता है हिम्मत रखना, पेशेंस रखना, हिम्मत रखना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कीप अगर अप हो तो हिम्मत रखना, कीप ऑन हो तो इसका मीन्स होता है जारी रखना, और कीप बैक हो तो इसका मीन्स होता है रोकना। कीप के साथ ओ डबल एफ ऑफ हो तो दूर रखना होता है ना, कहते हैं कीप ऑफ बैड बॉयज, कीप ऑफ है ना, कीप ऑफ विक्ड बॉयज योरसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, कीप ऑफ मतलब दूर रखना, कीप आउट मीन्स दूर रहना, तो दूर कौन रहेगा, पर्सन रहेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कीप ऑफ समबडी मीन्स होता है किसी चीज को दूर रखना, कीप ऑफ समवन, कीप आउट समवन मीन्स होता है व्यक्ति का दूर रहना। तो ये समवन के लिए यूज होता है, ये समथिंग के लिए यूज होता है, और ये समवन के लिए होता है, यूज से समबडी। कीप डाउन मीन्स होता है कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना, किसी चीज पर नियंत्रण स्थापित करना, कीप डाउन होता है, कीप का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म केप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। कीप एन वन आई, कीप एन आई ऑन मीन्स होता है नजर रखना, कई बार होता है ना कि मैं तुम पे नजर रखता हूँ, आई कीप एन आई ऑन यू मीन्स मैं तुम पर नजर रखता हूँ, मैंने तुम पर नजर रखा, आई केप्ट एन आई ऑन यू। ओके, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। नेक्स्ट है कीप अब्रेस्ट ऑफ मीन्स होता है साथ चलना, है ना, तो कीप अब्रेस्ट ऑफ मीन्स होता है साथ चलना। तो यहाँ पर हो जाएगा कीप वाले वर्ड्स में कीप बैक, कीप ऑन, कीप अप, कीप ऑफ, कीप आउट, है ना, कीप डाउन, कीप एंड
फर्स्ट ड्राफ्ट। तो इतने सारे हीप के वर्ड हैं, इन वर्ड्स को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इसके अतिरिक्त हीप के और भी वर्ड्स आवश्यकता नहीं है लर्न करने की। यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉल बैक मीन्स होता है वापस करना या होना। वैसे तो फॉल मीन्स होता है गिरना, है ना, फॉल फेल फॉलन। तो यहाँ पे देखिएगा फॉल मीन्स गिरना, लेकिन अगर फॉल के साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उसकी एक अपनी मीनिंग हो जाती है। फॉल बैक अगर हो तो इसका मीन्स होता है वापस करना या वापस होना। फॉल अवे मीन्स होता है साथ छोड़ देना, है ना, किसी को क्विट कर देना, किसी को रास्ते में छोड़ के चले जाना। फॉल इन मीन्स होता है टूट करना, है ना। उसके बाद फॉल आउट हो तो मीन्स होता है क्वारल या झगड़ा करना, चिल्लाना, टुकराई। तो यहाँ पे फॉल के वर्ड्स कुछ हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फॉल बैक अवे, फॉल बैक और फॉल अवे। तो फॉल बैक और फॉल अवे में आपको मिल रहा है वापस करना या वापस होना, और फॉल अवे में साथ छोड़ देना। फॉल इन मीन्स होता है बूढ़ करना, फॉल आउट मीन्स होता है चिल्लाना या झगड़ा करना। फॉल के साथ ऑफ हो तो इसका मीन्स होता है शॉर्ट ऑफ, फॉल ऑफ, कीप ऑफ मीन्स तमिल होना। इसके बाद है नॉक, ए एन ओ सी के नॉक, वैसे तो खटखटाना होता है, दरवाजा के सेंस में जब खटखटाना हो तो वहां पर हम सभी नॉक के साथ एट यूज करते हैं। लेकिन नॉक के साथ और भी प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं जब ये फ्रेजल वर्ब की तरह कार्य करेंगे। तो नॉक के साथ ओ डबल एफ ऑफ अगर कहीं दिया तो इसका मीन्स होता बंद कर देना या रोक देना। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉक के साथ डाउन दिया हो तो इसका मीन्स होता ठोकर मारकर गिरा देना। ठीक है, नॉक ऑफ मीन्स बंद कर देना या रोक देना, नॉक डाउन मीन्स होता है ठोकर मारकर या टक्कर मारकर किसी को गिरा देना। ओके, नॉक के साथ आउट हो तो इसका मीन्स होता है किसी को ओवरटेक कर देना, पीछे कर देना, तो उसको पछाड़ देना, उसको कहते हैं नॉक के साथ आउट अगर हो। नेक्स्ट है ले डाउन, ले आउट, ले बाय, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ले के साथ ये थ्री वर्ड्स हैं, उनको लर्न करिएगा। ले डाउन मीन्स होता है समर्पण करना, बलिदान करना। ले आउट मीन्स होता है व्यवस्था करना, और ले बाय मीन्स होता है सुरक्षित करना। ले डाउन ऑन द टेबल, ऐसे कई बार कहते हैं ले डाउन ऑन द बेड, तो यहाँ पे कई बार आता है ले मतलब समर्पित कर देना, खुद को सौंप देना। ओके, ऐसा सेंस हो तो ले डाउन मीन्स समर्पण करना, ले आउट मीन्स होता है व्यवस्था करना, ले बाय मीन्स होता है सुरक्षित करना या किसी को सुरक्षित बचाना। तो यहाँ पे अच्छे से नोट कर लिया, वो वाले वर्ड्स, होल्ड वाले वर्ड्स, कीप वाले वर्ड्स, फॉल है, नॉक है, ले है, ऐसे बहुत सारे है, टेक है, स्टैंड है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स है जो बार बार इसे हमें पूछे जाते हैं। लुक वाले वर्ड्स बार बार एग्जाम में आते हैं। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। कहीं भी अगर आपको लुक मिले तो लुक फॉर, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक डाउन, लुक फॉरवर्ड टू, लुक एट, लुक ऑन। तो लुक वाले वर्ड्स, गेट वाले वर्ड्स, गो वाले वर्ड्स, कॉल वाले वर्ड्स, ब्रिंग बैक, ये सारे वर्ड्स बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आप लर्न करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, टेक आफ्टर, लुक आफ्टर कहीं भी मिले तो इसका मीन्स होता है देखभाल करना। लुक के साथ अगर फॉर हो तो इसका मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना। कभी भी होता है जैसे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग, तो यहाँ पे सर्च के स्थान पर क्या हो सकता है, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। तो मेरे वॉच के लिए मैं देख रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी वॉच को ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। आई फिर हो सकता है आई लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, टेक केयर के स्थान पे लुक आफ्टर का यूज किया जाएगा। लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो क्या हो जाएगा, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, मतलब इस मैटर की जांच पड़ताल करो। इसका मतलब नहीं कि मैटर में झांक के देखो, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि इनटू मीन्स आप ये समझे कि मोशन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लुक इनटू मीन्स होता है, यहाँ लुक इनटू मीन्स जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट है लुक डाउन ऑन, अगर कहीं भी लुक डाउन ऑन अगर आपको मिलता है तो उसका मीन्स हो जाएगा अपमान करना। लुक इनटू मीन्स जांच पड़ताल करना, लुक डाउन ऑन कहीं मिल जाए तो इसका मीन्स होता है अपमान करना। लुक डाउन ऑन मीन्स होता है अपमान करना, किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, तो यहाँ पे हो जाएगा लुक डाउन ऑन मीन्स अपमान करना।
लुक फॉरवर्ड टू मिले, तो इसका मीन्स होता है उत्सुकता से किसी का इंतजार करना, वेट फॉर एक्साइटमेंट, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ क्या, लुक फॉरवर्ड टू मीन्स उत्सुकता से किसी का इंतजार करना, लुक मीन्स वैसे तो देखना होता है, लेकिन यहाँ पर देखने के सेंस में अलग अलग प्रकार से मीनिंग निकलेगा, इसको समझना होगा। लुक ओवर अगर कहीं मिल जाता है तो लुक ओवर मीन्स होता है शीघ्रता से देखना किसी का, बेसब्री से किसी को देखना, उसको कहते हैं लुक ओवर। लुक के साथ अहेड अगर हो जाए तो इसका मीन्स होता है आगे के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, जैसे प्लीज डोंट वरी, और क्या कहा जाएगा, डोंट वरी चिंता मत करो, भविष्य के बारे में सोचो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, लुक अहेड। ओके, ऐसा नहीं थिंक फॉर फ्यूचर, लुक अहेड मीन्स हो गया, एग्जाम में आता है बार बार कि भविष्य के बारे में सोचो। लुक थ्रो मीन्स होता है दोहराना, रिपीट करना किसी चीज को, रिपीटेशन करना, लुक थ्रो मीन्स दोहराना। लुक के साथ अगर टू कहीं लग जाए तो उसका मीन्स होता है उम्मीद करना, होप करना, आशा करना या विश्वास करना, तो यहाँ पे हम सभी ध्यान रखेंगे। लुक के साथ अगर टू मिलता है तो इसका मीन्स है उम्मीद करना या विश्वास करना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। नेक्स्ट है लुक आउट मीन्स होता है लुक आउट फॉर, इसका मीन्स होता है ताक में रहना या मौके की तलाश करना, लुक फॉरवर्ड, लुक आउट फॉर मीन्स मौके की तलाश करना। लुक के साथ ऑन हो जाए तो इसका मीन्स होता है देखना, मानना या समझ लेना, लुक ऑन होता है। लुक एट, बार बार आपने पढ़ा होगा, टीचर्स वगैरह बोलते हैं लुक लुक एट, दिशा की तरफ देखना हो तो लुक एट होता है, और समझना का अर्थ हो या जांचना का अर्थ हो, देखना का अर्थ हो, तब के भी अर्थ में लुक एट और लुक ऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पुट का प्रयोग, मेक का प्रयोग, और यहाँ पे हम सभी देखेंगे पुट के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लग सकते हैं, तो इसको हम लोगों को समझना होगा। पुट के साथ क्या क्या आ सकता है, मेक के साथ क्या क्या आ सकता है, तो यदि मेक के साथ कहीं अप देखने को मिलता है तो मेक अप अगर कहीं मिले तो इसका मीन्स होता है पूरा करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, मेक अप मिल जाए तो पूरा करना। मेक के साथ ओ डबल एफ ऑफ मिले तो होता है रन अवे मीन्स होता है, या फ्लड अवे, फ्ली अवे मीन्स होता है भाग जाना, तो जब मेक ऑफ हो तो भाग जाना का मीनिंग निकलेगा, मेक अप हो तो की मीन्स होता है पूरा करना, वैसे तो मेक मीन्स होता है बनाना या किसी चीज को क्रिएट करना, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, दो प्रीपोजिशन आपने देखा है, जब अवस्था चेंज हो जाए, और जब अवस्था चेंज ना हो तो फ्रॉम और ऑफ का आपने सीखा है प्रीपोजिशन में। मेक के साथ अप लग जाए तो इसका मीन्स होता है पूरा करना, कम्प्लीट करना किसी चीज को, मेक ऑफ कहीं देखने को मिले तो इसका मीन्स होता है भाग जाना, मेक के साथ कहीं ओवर हो तो ट्रांसफर कर देना या स्थानांतरण कर देना का मीनिंग निकलेगा, किसी को स्थान परिवर्तित कर देना, किसी का ट्रांसफर हो, ऐसे सेंस में हम सभी यूज करते हैं, ऐसे सेंस में हम सब लोगों को समझना होगा कि ऐसे सेंस में क्या यूज होता है, ऐसे सेंस में हम सभी मेक के साथ ओवर का यूज करते हैं। मेक ओवर मीन्स होगा स्थानांतरण कर देना, मेक आफ्टर कहीं मिले तो इसका मीन्स होता है पीछा करना, मेक आफ्टर मीन्स पीछा करना, किसी को चेस करना, फॉलो करना, कम आफ्टर, रन अवे, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिले थे रन आफ्टर, तो इसका मीन्स होता है मेक आफ्टर मीन्स होता है किसी को पीछा करना, किसी को फॉलो करना। मेक के साथ अगर अवे मिल जाए तो मेक अवे मीन्स होता है किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, मेक अवे मीन्स मेक अवे विथ वन सेल्फ, इसका मीन्स हो जाता है आत्महत्या करना, कमिट सुसाइड, मेक अवे आत्महत्या करना का मीनिंग होगा, लेकिन अगर मेक अवे किसी चीज के बारे में पर्सन के लिए हो तो आत्महत्या करना का मीनिंग निकलेगा, लेकिन किसी थिंग के लिए हो तो थिंग के लिए की बात हम करेंगे तो इसका मीन्स होता है किसी चीज को चुराना या स्टील का मीनिंग निकलेगा, मेक अवे समथिंग किसी चीज को चुराना, मेक अवे समवन को मीन्स होता है कमिट सुसाइड। मूव अब देखना होगा, मूव इन और मूव आउट, कई बार आपने सुना होगा ना मूव इन मूव आउट, तो मूव आउट का मीन्स होता है मकान को छोड़ देना या मकान खाली कर देना, और मूव इन कहीं पर हो तो इसका मीन्स होता है आना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इन मीन्स होता है पॉजिटिव सेंस में और आउट का मीन्स होता है नेगेटिव सेंस में या बाहर जाने के सेंस में, तो जब मकान में आकर रहा जाए तो मूव इन हो जाएगा, और मकान छोड़कर कहीं जाया जाए तो मूव ऑन का प्रयोग होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद पिक अप होता है, तो पिक अप और पिक आउट, कई बार आप देखते हो प्लीज पिक अप माई फोन, कई बार आपने सुना होगा, तो पिक अप माई फोन, रिसीव माई फोन या पिक अप दिस,
ऐसे सेंस में पिक के साथ अगर अप लगे तो इसका मीन्स होता है विकसित करना या सीख जाना किसी चीज को, और पिक के साथ यदि आउट लगे तो इसका मीन्स होता है चुनना, सेलेक्ट करना या सिलेक्शन करना किसी चीज का। तो पिक आउट मीन्स चुनना, पिक अप मीन्स होता है विकसित करना या सीखना, मूव अप मीन्स होता है पूरा करना, मेक अप मीन्स मेक ऑफ मीन्स भाग जाना, मेक ओवर मीन्स स्थानांतरण कर देना, मेक आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेक आउट मीन्स होता है मूव आउट मीन्स होता है मकान को छोड़ के चले जाना, और मूव इन मीन्स होता है मकान में आकर रहने लगना या मकान में आकर के बस जाना। इसको समझना होगा आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है पिकअप, आपने देखा विकसित करना सीखना, पिक आउट मीन्स होता है चुनना। अब पुट को पढ़ना होगा, पुट के साथ क्या क्या होगा। तो पुट के साथ ऑन, पुट के साथ आउट, पुट के साथ डाउन, पुट के साथ इन, पुट के साथ अप और पिक एक साथ आता है। देखिए फेड अप होता है फेड अप विद पुट अप विद, ये एग्जाम में आता है, दो बार हमने देखा उसको। तो ये आपका एग्जाम में पुट अप विद फेड अप विद, ठीक है। फेड अप विद मींस होता है कि छुटकारा पाना, आई वांट टू फेड अप विद यू मींस हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फेड अप विद होता है। और या तंग आना भी होता है इसका मीनिंग। और पुट अप विद मींस होता है बर्दाश्त करना, आई कांट पुट अप विद यू इसका मींस मैं तुमको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे सेंस में हम सभी पुट अप विद का प्रयोग करते हैं। तो फेड अप विद पुट अप विद ये दोनों याद कर लीजिएगा नोट करके, एग्जाम में बार बार आता है। और फेड अप विद या फेड विद कर देगा अप को ब्लैंक कर देगा, या फेड अप करके विद को ब्लैंक कर देगा, या फेड अप विद के साथ फेड अप ऑन कर देगा, फेड ऑन विद कर देगा, तो फेड अप विद और पुट अप विद ही होता है। अब देखिएगा पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, है ना, पुट ऑन योर सॉक्स, पुट ऑन योर शूज मीन्स होता है किसी चीज को पहनना। पुट आउट का मीन्स अगर देखें तो पुट आउट मीन्स होता है किसी चीज को उतारना का सेंस में, या पुट आउट आउट मीन्स भी होता है बिजली या लैंप को बुझाना, जैसे ब्लो आउट आपने सीखा था, ब्लो आउट मीन्स होता था फूंक कर बुझाना। और यहाँ पर पुट आउट का मीनिंग अगर निकलेगा तो पुट आउट का मीनिंग हम सभी देखते थे बिजली या लैंप को बुझाना। पुट डाउन कहीं पर मिले तो पुट डाउन का मीन्स होता है निश्चित कर लेना, किसी चीज को श्योर कर लेना, उसको पुट डाउन कहते हैं। पुट ऑन मीन्स पहनना, पुट आउट मीन्स उतारना भी होता है या बिजली या लैंप को बुझाना भी होता है। पुट डाउन मीन्स होता निश्चय कर लेना, और पुट अप भी तो टॉलरेट या बियर होता है किसी को बर्दाश्त करना। और जब आपको पुट इन मिले तो इसका मीन्स होता है पद पर रहना, या कह सकते हैं अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखना। तो पुट वाले वर्ड्स भी एग्जाम में बार बार आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, समझिएगा। रन ओवर कहीं मिल जाए तो रन ओवर मीन्स होता है कुचला जाना, किसी को रश कर देना, क्रैश कर देना, ऐसे सेंस में रन ओवर का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो रन का प्रयोग समझते हैं आप कि रन मीन्स होता है दौड़ना, रन 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 होता है, तो रन ओवर मीन्स किसी को कुचल जाना या किसी को क्रैश कर देना। रन आफ्टर मीन्स होता है जैसे कम आफ्टर, रन आफ्टर चेस, वैसे रन आफ्टर कम आफ्टर मीन्स होता है पीछे पड़ना या किसी के पीछे भागना या किसी का पीछा करना, ऐसे सेंस में रन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। रन अवे अगर कहीं मिल जाए तो इसका मीन्स होता है रन अवे मीन्स होता है बचकर निकल जाना, भाग जाना, फ्ली इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स है, फ्ली मीन्स भी होता है भाग जाना। ओके, तो रन अवे मीन्स भाग जाना, रन आफ्टर मीन्स होता है पीछे पड़ना या किसी के पीछे दौड़ना या किसी का पीछा करना, रन आफ्टर मीन्स होता है कुचला जाना। रन के साथ अप अगर हो तो आपने देखा अगर सेकंड रनर अप है तो रनर अप का मतलब होता है झंडा लहराना, मींस प्रतिनिधित्व करना, ऐसे सेंस में झंडा लहराना के सेंस में रन अप का प्रयोग किया जाता है। रन डाउन हो तो क्रिटिसाइज समवन, किसी की बुराई करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, रन डाउन का प्रयोग किया जाता है। रन इनटू मींस होता है पहुंचना कहीं पर, स्थापित हो जाना, कहीं पर चले जाना, पहुंच जाना, तो एग्जैक्ट प्लेस के लिए रन इनटू का प्रयोग बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन इनटू या रन इनटू का सिनोनिम्स। तो यहाँ पे रन इनटू मीन्स पहुंच जाना, रन डाउन मीन्स होता है बुराई करना, रन अप मीन्स होता है झंडा लहराना, रन आफ्टर मीन्स होता है पीछे पड़ना या किसी के पीछे भागना, किसी का पीछा करना, रन ओवर मीन्स होता है कुचल जाना, रन डाउन मीन्स होता है किसी की बुराई करना। तो यहाँ पे आप इसको रन वाले को समझ के याद कर लीजिएगा। रन के साथ अपनी रिंग पे आते हैं, रिंग अप और रिंग ऑफ।
तो कहीं अगर रिंग अप हो तो रिंग अप मीन्स होता है फोन करना, और रिंग अप के स्थान पे रिंग ऑफ हो तो इसका मीन्स होता है फोन को काट देना। ओके, तो जैसे मैंने फोन को काट दिया, आई कट माई फोन, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं आई रंग, है ना, रिंग रंग रंग होता है, तो यहाँ पे आई रंग माई फोन ऑफ, तो इसका मीन्स रिंग अप मीन्स मैंने फोन काट दिया, और रिंग अप मीन्स होता है फोन मैंने किया, आई वॉज रिंगिंग अप मीन्स मैं फोन कर रहा था। ओके, रिंग अप कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कॉल के स्थान पे फोन के स्थान पे रिंग अप और रिंग ऑफ का प्रयोग होता है। कई बार आपने सुना होगा सी ऑफ। ओके, सी ऑफ करने में गया था, सी ऑफ मीन्स होता है किसी को टाटा बाय बाय करना, ऐसे को सी ऑफ कहते हैं। तो एक प्रथा चलती है कि सी ऑफ करते समय कुछ पैसे मिलते हैं बच्चों को, तो बच्चे ज्यादा शौक लेके चलते हैं सी ऑफ करने जा रहा है, क्योंकि अब इसको इतना बताने का सेंस है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सी ऑफ करना मीन्स विदाई देना किसी को, सी ऑफ करना, बदले में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, अन्यथा टाटा बाय बाय को सी ऑफ करना बोलते हैं। सी थ्रू का मतलब होता है चालाकी समझना। ओके, अब यहाँ पे कह दिया जाए सी ऑफ करने गया हूँ, ओ आई सी, कई लोग देते आई सी मीन्स होता है एस डबल ई सी ही होता है, लेकिन इसका मीन्स होता है समझना, आई एम गेटिंग, मतलब मैं समझ रहा हूँ। तो आई यहाँ पे सी ऑफ मीन्स होता है विदाई करना या विदाई देना, सी थ्रो मीन्स होता है चालाकी समझना, किसी की कनिंग को समझ जाना, पकड़ लेना किसी के ट्रिक को, ऐसे सेंस में हम सभी यूज करते हैं सी थ्रो। सी थ्रो मीन्स होता है चालाकी समझना। सेट को ध्यान देना होगा, सेट के साथ, अब सेट मीन्स क्या होता है, सेट मीन्स आप जाते हैं किसी चीज को सेट करना, व्यवस्थित करना, तो सेट अगर कहीं मिल जाए तो सेट के साथ अगर टू देखने को मिलता है तो सेट टू मीन्स होता है ध्यान रखना। सेट अपार्ट मीन्स होता है अलग करना, अपार्ट मीन्स भी होता है अलग करना, अपार्टमेंट से आपने अपार्ट समझना है, तो अपार्ट मीन्स होता है अलग करना, सेट टू मीन्स होता है ध्यान रखना या ध्यान देना, और सेट के साथ यदि असाइड मिल जाए तो इसको कहते हैं रिजेक्ट कर देना या अस्वीकार कर देना किसी चीज को, तो सेट असाइड मीन्स अस्वीकार कर देना, सेट डाउन मीन्स लिख देना। वैसे तो अगर आपने सेट डाउन को कहीं देखे तो आपके दिमाग में सिट डाउन बनेगा, सिट डाउन मीन्स बैठना होता है, लेकिन सेट डाउन तो इसका मीन्स होता है पेन डाउन, और वी कैन से नोट डाउन मीन्स लिख लेना या किसी चीज को उतार लेना। सेट फोर्थ मीन्स होता है स्पष्ट कर देना, एफ ओ आर टी एच फोर्थ मीन्स होता है, एफ ओ आर टी एच फोर्थ मीन्स होता है आगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला चार वाला फोर्थ नहीं है, एफ ओ यू आर होता है वो। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ फोर्थ मीन्स होता है स्पष्ट कर देना, स्पष्ट कर देना क्लियर समथिंग, तब यहाँ पे हम सभी सेटों का प्रयोग करेंगे। सेट इन कहीं मिल जाए तो सेट इन मीन्स होता है टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगनिंग करना, और सेट के साथ अप मिल जाए तो उसका मीन्स होता है स्टैब्लिश करना या किसी चीज को स्थापित करना, किसी चीज को व्यवस्थित करना, तो ऐसे सेंस में हम सभी सेट अप का प्रयोग करते हैं। शट डाउन आपने देखा, शट डाउन का दो मीनिंग होता है, शट डाउन मीन्स होता है, एक तो शट डाउन मीन्स होता है शांत हो जाना, बंद हो जाना, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं भी आपको मिल रहा है शट डाउन तो इसका मीन्स होता है स्वयं को व्यवस्थित करना या इतना श्योर करना कि सामने वाले को बोलने ना देना, ऐसे सेंस में शट डाउन का प्रयोग होता है। ओके, तो शट डाउन मीन्स होता है स्वयं को व्यवस्थित करना, या शट डाउन का मीन्स होता है शोर करके किसी को बोलने ना देना। तो आप यहाँ देख पा रहे कितने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, इन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को आप नोट डाउन करके अच्छे से लर्न करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैंड के साथ अगर बाई हो जाए, स्टैंड वाला भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, स्टैंड के साथ अगर बाई हो जाए तो इसका मीन्स होता है समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, स्टैंड बाई समर्थन करना, बढ़ावा देना। स्टैंड के साथ आउट हो जाए इसका मीन्स होता है अलग दिखाई देना, किसी चीज को अलग कर देना, तो यह हो जाएगा स्टैंड आउट मीन्स अलग दिखाई देना, स्टैंड बाई मीन्स होता है समर्थन देना, और स्टैंड के साथ अगर अप हो जाए तो स्टैंड अप आपने बचपन से सीख लिया है, स्टैंड अप मीन्स होता है खड़ा होना, तो स्टैंड अप सिट डाउन ये आपने बार बार सीखा है, स्टैंड अप सिट डाउन, तो यहाँ पे स्टैंड बाई समर्थन देना, स्टैंड आउट अलग दिखाई देना, स्टैंड अप मीन्स होता है खड़ा हो जाना। टेक वाले वर्ड्स बार बार आए हैं, टेक मीन्स होता है लेना, गिव मीन्स होता है देना, तो टेक और गिव वाले भी देखिएगा,
टेक आफ्टर मीन्स होता है देखने में समान होना, एक जैसा हो तो टेक आफ्टर का यूज होगा। टेक बैक मीन्स होता है वापस हो जाना, बैक मीन्स तो वैसे वापस और पीछे, आपने देखा ही है टेक बैक वापस ले लेना, तो ये शाब्दिक है, इसमें कोई भी कठिन नहीं है कि गलत हो जाए। टेक बैक वापस ले जाना, जैसे कम बैक होता है। गिव सॉरी टेक फॉर गलत फहमी होना, मिसअंडरस्टैंडिंग को टेक फॉर बोलते हैं। इसके बाद टेक ऑफ मतलब उतारना है ना, कई बार आता है कि प्लेन टेक ओवर टेक ऑफ हो रहा है, तो टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, टेक ओवर मीन्स होता है किसी को पीछे कर देना, है ना। टेक ओवर मीन्स होता है किसी को पीछे कर देना या किसी को मतलब कार्यभार संभालना, आई एम टेकिंग ओवर माई ड्यूटी, कार्यभार संभालना। टेक फॉर मीन्स गलत फहमी होना, टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना या किसी को हटा देना, टेक ऑन मीन्स होता है ग्रहण करना या हाथ में ले लेना, टेक ऑन होता है पकड़ लेना। टेक ओवर कहीं मिल जाए तो इसका मीन्स होता है कार्यभार संभालना या पद संभालना, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। टेक टू हो जाए तो आदत के रूप में कार्य करना, तो उसको टेक टू का प्रयोग होता है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसको कैसे डील करना है समझने का प्रयास करेंगे। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग के पार्ट नहीं है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया है, और ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मीनिंग पूछ रहा है तो मीनिंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ब्रेक इनटू का क्या मतलब है, मूव इन का क्या मतलब है, मूव ऑन का क्या मतलब है, टेक ओवर का क्या मीन्स है, लुक फॉर का क्या मतलब है, एक्ट ऑन एक्ट अपॉन, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लुक फॉर आपको बताया गया था किसी चीज को ढूंढना या जांच पड़ताल करना, तो लुक फॉर का यही मीनिंग होता है। तो आप देखिएगा टू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बना है इसी से, एक्सपेक्ट मीन्स होता है किसी चीज की उम्मीद करना, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट का नहीं निकल रहा है मीनिंग। इन्वेस्टिगेट आपको याद आया होगा, हमने बताया था जांच पड़ताल करना या ढूंढना, तो इन्वेस्टिगेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लुक फॉर मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना या किसी चीज को ढूंढना। तो यहाँ पे देखिएगा और इन्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अब क्या गलती हो सकती है, जब भी नहीं याद रहेगा या जरा भी कंफ्यूजन हुआ तो आप या तो एक ऑप्शन पकड़ के तुक्का लगाएंगे या फिर आपसे गलत हो जाएगा, इसलिए लर्न करना है, इसका कोई चुट नहीं है। तो टू एक्सपेक्ट इज नहीं सही है, इन्वेस्टिगेट सही है, टू इन्वेस्ट मीन होता है ये भी गलत है, टू प्रूव मीन्स होता है सबूत देना, यहाँ भी ये भी गलत है, तो ये बाकी रेस्ट और रिमेन गलत हो जाएंगे। हम लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सी ऑफ का क्या मतलब, अभी अभी आपको बताया गया सी ऑफ मीन्स होता है विदा लेना, किसी को टाटा बाय बाय करना, आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे देखिएगा सी ऑफ का क्या मीन्स है, रिजेक्ट कर देना बिल्कुल गलत, देखना बिल्कुल गलत, अब देखिएगा टू टेक लीव ऑफ यही सही है, सी ऑफ करना किसी को जाने देना, किसी को विदा देना, टू एग्जिबिट मीन्स होता है निषेध होना, तो यहाँ पे सब गलत है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ टू क्यों आ रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। यदि वर्ब कहीं अकेले लिखा जाए तो आपने देखा होगा किसी भी किताब में अकेले वर्ब कभी नहीं लिखा जाता, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है और उसी इन्फिनिटिव को ही फॉलो करके हमेशा वर्ब अकेले लिखा जाता है, ठीक है। तो इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव हिज डिवाइन, आपने देखा होगा, और कहीं भी आप वर्ड पावर या ग्लॉसरी देखेंगे तो वहाँ भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये टू के साथ ही आएगा, ऐसा नहीं है कि टू के साथ ना आए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हमारा इन्फिनेटिव रहता है, तो ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पे टू नहीं दे रहा है या टू दे रहा है तो इसका क्या मीनिंग है या क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट ऑन एक्ट अपॉन, आपको पहला वर्ड एक्ट ऑन मिला था जब आपको फ्रेजल वर्ब की क्लास मिली थी, तो पहली क्लास का पहला वर्ड एक्ट अपॉन ही था और एक्ट ऑन ही था। एक्ट अपॉन और एक्ट ऑन का क्या मीन्स था, एक्ट अपॉन एक्ट ऑन मीन्स आपका था असर करना, प्रभाव डालना, और एक्ट अपॉन था किसी के अनुसार कार्य करना, किसी के निर्देशन में कार्य करना। जब एक्ट अपॉन आए तो ये मीनिंग निकलेगा, और जब एक्ट ऑन हो तो इसका मीन्स होता है असर करना या क्या कहते हैं उसका इफेक्ट दिखना, प्रभाव दिखना। तो अब आपको ध्यान आया होगा एक्ट अपॉन और एक्ट ऑन, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन में मिल रहा है टू एक्ट अकॉर्डिंगली मीन्स के
अनुसार कार्य करना, किसी के निर्देशन में कार्य करना, और दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है टू प्रोड्यूस इफेक्ट मीन्स असर करना, प्रभाव डालना, और थर्ड ऑप्शन है टू प्लेस मीन्स कुचल देना, टू बिगनिंग शुरुआत करना। तो आपको ध्यान आया होगा एक्ट ऑन मीन्स था असर करना या प्रभाव डालना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं, और बाकी देखिए टू एक्ट अकॉर्डिंगली अगर आप करते तो इसका मीन्स होता है एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन। तो यहाँ पे एक्ट अपॉन जब आप लिखते तो एक्ट अपॉन का मीन्स होता था किसी के अनुसार कार्य करना, एक्ट ऑन मीन्स होता है असर करना। अगला देखिए टू प्रेस, तो यहाँ पे कुचल देना का मीनिंग नहीं है, टू बेगनिंग मीन्स होता है स्टार्ट करना, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतने सारे वर्ड्स आपको मिले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वैसे तो फ्रेजल वर्ब की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लिमिटेड फ्रेजल वर्ब को ही आपको बताया गया जो एग्जाम में आते हैं, बार बार आए हुए हैं, और आगे भी ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो इन फ्रेजल वर्ब्स को आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप फ्रेजल वर्ब नहीं याद किया तो किया क्या, यही समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाए या कंफ्यूजन में गलत हो जाए तो समझिएगा कि अच्छे अच्छे मार्क्स कट जाएंगे और मेरिट बहुत प्रभावित होती है। और अब फ्रेजल वर्ब भी मेरिट को बढ़ा रहा है, वो वर्ड पावर, बहुत से विद्यार्थी डरते हैं इससे, वर्ड पावर नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, तो वर्ड पावर को छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है एक कंपटीटर की। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ, बहुत जो भी आए हुए क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे आपको बताए जाएंगे, आप भी उसको फॉलो करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।